हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है लेंस। ठीक है, लेंस में भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। कैसे रिफ्रैक्शन होता है, उससे कैसे इमेज बनती है, ये सारी चर्चाएँ आज हम करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में क्लास 12 के लिए लेंस की बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि लेंस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारी डेली लाइफ के लिए। हमारी आँखों में भी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हमारी आईज में लेंस होता है। हमको जब आईज से कुछ दिखना कम हो जाता है, जब हमको चीज़ें सही साफ नहीं दिखती हैं, तो उस समय भी क्या करते हैं, डॉक्टर बताते हैं चश्मा लगा लीजिए। कई लोग आँख के अंदर ही लेंस फिट करवा लेते हैं। और बच्चों, यहाँ से आपने देखा होगा कैमरे में भी लेंस का यूज होता है। तो लेंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आज हम लोग लेंस के बारे में जानेंगे कि लेंस होता क्या है। बच्चों, लेंस क्या है? तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। मतलब अभी हम होमोजीनियस कह रहे हैं, फिर आगे चल के हम दो तीन मटेरियल से मिला के लेंस बनाएंगे तो उसमें बताएंगे क्या दिक्कत आएगी और क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, फिलहाल अभी लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम कवर्ड बाय टू कर्व सरफेस। जो कैसे कवर होता है? दो कर्व सरफेस से। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम है जो कि कैसे कवर है, या तो ऐसे कवर हो जाएगा या ऐसे, कवर्ड बाई टू कर्व सरफेस और वन कर्व एंड वन प्लेन सरफेस। और ये भी हो सकता है कि इसको एक कर्व सरफेस से और एक प्लेन सरफेस से, ऐसे देखो इस तरह से एक प्लेन हो गया, एक कर्व हो गया ऐसे। ठीक है, या इसमें बनाना हो तो ऐसा कुछ, ये देखो ये क्या हो गया बच्चों, एक प्लेन हो गया और एक क्या हो गया, कर्व हो गया। देखो एक प्लेन हो गया और एक क्या हो गया, कर्व हो गया। तो वन कर्व एंड वन प्लेन सरफेस। तो हमारी डेफिनेशन बनी कि लेंस इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम कवर्ड बाय टू कर्व सरफेस और वन कर्व एंड वन प्लेन सरफेस। ठीक है, तो ये होता है बच्चों लेंस। अब बात आती है कि लेंस में बेसिक कुछ डेफिनेशंस हैं जिन पे हमको चर्चा करनी है। जैसे लेंस कितने टाइप के होते हैं? तो लेंस बच्चों दो टाइप के होते हैं। वन इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड अदर इज द कॉनकेव लेंस। एक कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। चलिए लिख देते हैं। तो एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक होता है बच्चों कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कौन से हैं? ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, या एक लेंस और बना सकते हो, जैसे ये लेंस आपने बना दिया, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस भी कुछ इस तरह के होते हैं, या एक लेंस और हम बना सकते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है। बात यहां पे आती है कि कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस आर थिन एज, एज पर क्या होते हैं बच्चों, थिन होते हैं। देखो किनारे पर क्या है, थिन है, एंड थिक एट मिडिल, और बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखो इसमें भी किनारे पर क्या है, थिन है, और बीच में क्या है बच्चों, ये थिक है। ठीक है, सेम ऐसे यहां भी देखो, बीच में क्या है, थिक है, और किनारे पर क्या है, थिन है। तो ये सब क्या हो गए, कॉन्वेक्स लेंस के एग्जांपल हो गए। ऐसे ही जो कॉनकेव लेंस होते हैं, द लेंस व्हिच इज थिन एट सेंटर या मिड एंड थिक एट एज। जो लेंस एज पे क्या होता है, थिक होता है। देखो किनारे पर ये क्या है, थिक,
और बीच में क्या है, थिन है। देखो ये भी बीच में थिन है, इसका भी बीच वाला हिस्सा क्या है, पतला है, थिन है। तो द लेंस विच इज थिन एट मिडिल एंड थिक एट एज, किनारे पर मोटा लेकिन बीच में पतला होता है, ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, जो कि किनारे पर यानी कि एज पर थिक होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। जबकि जो लेंस किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस हो गए। अब इन लेंसेस को बोलते क्या है, जैसे ये देखो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ से उभरा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बाया कॉन्वेक्स। ठीक है, जो लेंस देखो एक तरफ फ्लैट है, प्लेन है और एक तरफ से कॉन्वेक्स है, इस लेंस को हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। जो लेंस बीच में दोनों इधर से देखो क्या है, कॉनकेव थोड़ा दबा हुआ है, इधर से क्या है, कॉन्वेक्स उभरा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये हो गया बाया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। जबकि अब जैसे इस लेंस की बात करो, ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों तरफ से कॉनकेव है, तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों बाया कॉनकेव, ठीक है, लेंस। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक तरफ से प्लेन एक तरफ से कॉनकेव, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। लेंस, ठीक है, और जो लेंस देखो ऐसा है, ये क्या है, इधर से कॉन्वेक्स है इधर से कॉनकेव है, तो दोनों मतलब सरफेस के हिसाब से बात करो, बाकी तो ये कॉनकेव लेंस का एग्जांपल है, तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये लेंस के टाइप हो गए कि कौन कौन से लेंस होते हैं, कैसे कैसे लेंस होते हैं, तो आपने देख लिए कि प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, बाया कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है, जबकि कॉनकेव लेंस में बाया कॉनकेव लेंस होता है, प्लेनो कॉनकेव लेंस होता है और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि इन लेंस के कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, कि जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी पे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब बच्चों कॉन्वेक्स लेंस क्या है, हमने देखा कि ऐसा लेंस जो किनारे पर क्या हो, थिन हो और बीच में थिक हो, मोटा हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जबकि जो लेंस किनारे पर थोड़ा सा थिक होता है, एज पर थोड़ा सा थिक होता है लेकिन बीच में थिन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब बच्चों बात ये आती है कि जैसे लेंस है, ठीक है, ये किसी न किसी स्फीयर के पार्ट है, जैसे देखो इस तरफ से एक स्फीयर बन सकता है ना, अगर इसको हम डॉट 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 से बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं एक स्फीयर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इस तरीके से अगर इस लेंस को भी आप डॉट 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 से आगे बढ़ाते जाएं इस पार्ट को, तो इस कर्व का भी एक क्या होगा, स्फीयर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट सरफेस है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा होता है तो लाइटें पहले इस पे टकराती है, इसीलिए इसको हम फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड सरफेस है। ठीक है, तो पहले सरफेस का सेंटर यहां बनता है, भैया स्फीयर बना पहले सरफेस का, तो अगर यहां बात करें तो इसका सेंटर यहां बनेगा C1। ठीक है, तो इसको C1 को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट सरफेस।
तो पहले सरफेस का C1 क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जबकि सेकेंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहां बनेगा बच्चों, ये सेकेंड सरफेस है देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं बनेगा C2, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड। ठीक है, यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप यहां से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, जनरली आप लोग पोल यहां बीच में कंसिडर करते हैं थिन लेंस के लिए, तो थिन लेंस के लिए अगर आप यहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो भाई देखो, पहले सरफेस के लिए ये डिस्टेंस होनी चाहिए, ये पहले सरफेस की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। ठीक है, और इधर वाली ये वाली रेडियस बच्चों ये यहां से यहां तक हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये। तो जनरली आपको पता होगा कि जब आप इसको पोल कंसीडर करते हैं, क्योंकि थिन लेंस के लिए दोनों सरफेस बहुत क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस ना लेकर के यहां से पोल से भी डिस्टेंस लो तो बात वही रहती है, ऐसे R1 को यहां से ना लेकर के पोल से लो तो बात वही रहेगी, लेकिन कब, जब थिन लेंस होगा, इसकी थिकनेस बहुत कम होगी, मतलब लेंस ऐसे बनाओ देखो ऐसा कुछ, तब तो क्या फर्क पड़ता है, यहां से डिस्टेंस लो चाहे यहां से लो, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होती। तो बच्चों हम लोग तो यहाँ पे जनरली क्लास 12 में थिन लेंस के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो सेंटर है, ये पोल है, सॉरी पोल से राइट साइड में R1 होता है, तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस में R1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो पहली रेडियस होती है वो हमेशा क्या लिखी जाती है, पॉजिटिव, जबकि सेकेंड सरफेस की रेडियस देखो क्या है, इधर पड़ रही है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों, माइनस में लिखते हैं, इसीलिए R2 जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। न्यूमेरिकल में बहुत इस चीज का यूज है कि पहली रेडियस जब दिया होगा पहले सरफेस की, उसको पॉजिटिव, दूसरे को निगेटिव, कुल मिला के जब बाया कॉन्वेक्स लेंस होगा तो एक रेडियस को अगर आप पॉजिटिव लिखेंगे तो दूसरी रेडियस को निगेटिव लिखेंगे, ठीक है, अब पहला और दूसरा सरफेस आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेंगे। यहां पे बात कीजिए बच्चों कॉनकेव लेंस की, तो अगर इस जो ये सरफेस दिया है, इस सरफेस को हम मान के एक स्फीयर इसका कंप्लीट कर लें, ठीक है, इस सरफेस का अलग एक स्फीयर कंप्लीट कर लें, तो हम ये पाएंगे कि ये पहला सरफेस है, तो ये पहले सरफेस का सेंटर हो जाएगा C1, ये दूसरा सरफेस है, ये दूसरे सरफेस का सेंटर हो जाएगा C2, ठीक है। अब बच्चों ये वाला जो ऐसे लाइन खींचेंगे, ये देखो, तो C1 की रेडियस कितनी हो रही, देखो यहां पे R1 कॉनकेव सरफेस में सेंटर इधर आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, इसका सेंटर हो गया पहले स्फीयर का, ये दूसरे स्फीयर का सेंटर हो गया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सर्फेस हो गया, और दूसरे वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो कॉनकेव सरफेस होता है, देखो पोल तो यहां नहीं होगा और डिस्टेंस तो हम लोग पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से पहला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, लेफ्ट में है, और लेफ्ट वाली डिस्टेंस कैसे होती है, निगेटिव में, इसका मतलब इसमें जो R1 आएगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, जबकि देखो R2 क्या है, राइट में है, तो R2 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात हम ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में इस चीज का बड़ा यूज है कि जो फर्स्ट सरफेस की रेडियस है वो निगेटिव, जबकि सेकेंड सरफेस की जो रेडियस होती है लेंस में उसको हम लोग पॉजिटिव से लिखते हैं, अभी न्यूमेरिकल्स में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, याद रखिएगा। तो कॉन्वेक्स सरफेस में पहली रेडियस पॉजिटिव, सॉरी हाँ ठीक है, पहली रेडियस पॉजिटिव और दूसरी रेडियस निगेटिव, जबकि कॉनकेव में पहली रेडियस निगेटिव और दूसरी रेडियस पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए।
अगली चीज आती है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये बन गई हमारे पास क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या बनेगी, ये द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स है इनको जोड़ने वाली जो लाइन बनती ये लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब बच्चों बात आती है कि ऑप्टिकल सेंटर कहां पे होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूं कि अगर लाइट रे किसी लेंस से पास हो, लेकिन लेंस से पास होने के बाद, ठीक है, लाइट के आने की मतलब इंसिडेंट की और इमर्जेंट की दोनों ही रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, किसी लेंस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट करे और इंसिडेंट होके फिर उधर से रिफ्रैक्शन से बाहर निकलेगी, जैसे लेंस है इधर से इंसिडेंट हुई तो इधर से बाहर निकलेगी, तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट बाहर निकलने वाली है, बोथ आर पैरेलल, जब ये दोनों क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, देन दिस रे कट प्रिंसिपल एक्सिस एट द पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जब किसी लेंस पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाएं, तो वो रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है या कट करती महसूस हो रही है, जरूरी नहीं कि कट करे, हो सकता है उसको कट करती हुई महसूस हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, उस पॉइंट को जहां पे कट करेगी। अब आइए डायग्राम में समझते हैं, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। मैंने बताया कि अगर किसी लेंस पर, मान लीजिए एक ये लेंस है, थोड़ा मोटा बना लेते हैं ताकि चीजें बहुत क्लियर है, ठीक है, इस पे इंसिडेंट होने वाली लाइट रे, जैसे ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, अब ये लाइट रे आएगी तो इस पे नॉर्मल ड्रा करो भाई, क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्शन कैसे दिखाते हैं, नॉर्मल से, तो नॉर्मल इसका सेंटर कहीं इधर बनेगा, ये इसका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, तो नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे बच्चों, इस तरह से, ठीक है। अब लाइट रे क्या होगी, रेयरर से डेंसर में आ रही, भाई लेंस क्या होगा, डेंसर होगा, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और बेंड होके कैसे हो गई ये, ऐसे हो गई, ठीक है, अब यहां पड़ेगी, फिर से आगे रिफ्रैक्शन होगा, अब रिफ्रैक्शन होगा तो बच्चों यहां पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहां पे नॉर्मल कैसे ड्रा होगा, इस सरफेस का परपेंडिकुलर, अब इस सरफेस का परपेंडिकुलर कहां मिलेगा, इसके सेंटर मिलेगा, तो इसका सेंटर मान लो ये C2 है, इस सरफेस सेकेंड सरफेस का, तो यहां से जब यह नॉर्मल आप ड्रा कर देंगे, यहां से आपने नॉर्मल ड्रा कर दिया, तो लाइट रे जाना तो सीधा चाहिए थी, लेकिन सीधा तो जाएगी नहीं, अब क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे चली जाएगी, कुल मिला के ये इंसिडेंट रे देखो ऐसे आ रही थी, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, ये क्या है, ये है इमर्जेंट बाहर निकलने वाली रे, और ये कौन सी है बेटा, ये है इंसिडेंट रे, तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, देखो पैरेलल हो गए, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, तो ये रे जिस पॉइंट से जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, उसके जिस पॉइंट से पास होती है या पास होती हुई महसूस होती है, या पास होती हुई महसूस होती है, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो सी वाला पॉइंट है, सी पॉइंट क्या होगा, तो यहां पे सी पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर। अभी आप इसको कॉनकेव लेंस में बनाइए तो और क्लियर होगा अच्छे से, देखो एक ये कॉनकेव लेंस बनाते हैं,
ठीक है, बना लिया। अब क्या होगा, मान लीजिए एक लाइट रे इसमें आ रही है, कैसे आ रही है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी सी बात, रिफ्रैक्शन होगा तो इस सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर मिलेगा, मान लो यहाँ मिला सी वन, इससे आप यहाँ नॉर्मल ड्रा करोगे। अब लाइट रे क्या होगी, रेयरर से डेंसर में गई, तो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल विंड होगी। तो बच्चों जैसे लाइट रे आ रही थी या आपने नॉर्मल ड्रा किया है, क्या होगी, थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल पास मतलब उस तरफ थोड़ा, भाई सीधा ना जा करके थोड़ा सा ऐसे विंड हो गई, विंड हो गई, यहाँ पहुँची। अब यहाँ पे पहुँचेगी तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो इस सरफेस से बात करो, तो इस सरफेस का सेंटर कहीं यहाँ पड़ेगा बच्चों, ये सी टू, इस सी टू से यहाँ पे देखो जो नॉर्मल ड्रा होगा वो क्या होगा, इधर होगा एन टू, ये नॉर्मल था एन वन। अब क्या होगी लाइट रे, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यानी कि यहाँ से लाइट रे कुछ ऐसी चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो आने वाली लाइट रे थी और जो जाने वाली लाइट रे है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। यहां पे इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसका मतलब कि अब ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जा रही होगी, इस पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो डेफिनेशन ये हो गई कि व्हेन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर पासिंग अ लाइट रे फ्रॉम द लेंस, देन The प्रिंस देन द लाइट रे इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। अभी जरूरी कि वो लाइट रे वहां से इंटरसेक्ट कर रही हो, देन लाइट रे इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब हमेशा ऑप्टिकल सेंटर रियल मिले, ये कोई जरूरी नहीं। अब बच्चों बात ये आती है कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो लेंस की थिकनेस को, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्टिकल सेंटर लेंस की थिकनेस को उसकी रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये लेंस था, ये इसका पहला पॉइंट P1 था और ये दूसरा पॉइंट P2 था, ठीक है। तो पहले सरफेस की ये रेडियस ये वाली क्या होगी, यहां से यहां तक ये R1, देखो सेंटर से लेंस के सरफेस की डिस्टेंस ये R1 हो जाएगी, यहां से ये डिस्टेंस क्या होगी, R2 होगी। तो कहने का सेंस ये है कि जो ऑप्टिकल सेंटर है ये लेंस की थिकनेस को, जैसे ये थिकनेस है देखो सी पी वन और सी पी टू, इस रेशियो में काट रहा है लेंस की थिकनेस को, सी पी वन सी पी टू के रेशियो में काट रहा है, देखो सी पी वन अपॉन सी पी टू। तो हमने बोला ऑप्टिकल सेंटर लेंस की थिकनेस को उसकी रेडियाई के रेशियो में कट करता है, मतलब सी पी वन अपॉन सी पी टू बराबर हो जाता है आर वन अपॉन आर टू। सेम ऐसे यहां भी कर सकते हो कि अगर ये रेडियस R1 थी ये रेडियस R2 थी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। अब है क्या भाई, ये वाली यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी R2, ये यहां से यहां तक की थी R1। अब ध्यान से देखिए, तो बच्चों ये अगर पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि सी पी वन अपान सी पी टू बराबर होता है आर वन अपान आर टू, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड द थिकनेस ऑफ द लेंस इन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ये उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर की रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। अब इस पर हम बच्चों बात करते हैं कि इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं किस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कहाँ पे जाएगा। तो बच्चों अगर देखिए, अगर कोई ऐसा लेंस हो, ठीक है, जो कि बाया कॉन्वेक्स हो, कैसा हो, बाई कॉन्वेक्स, लेकिन इसकी दोनों रेडियाई सेम हो, आर वन इज इक्वल टू आर टू हो, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां पे जाएगा, सोचो। तो इस केस में भाई आर वन और आर टू देखो क्या है, रेशियो में है भाई, आर वन इधर है तो आर टू इधर है, आर वन पॉजिटिव है तो आर टू निगेटिव है, इसका मतलब सी पी वन अपान सी पी टू कितना आएगा, यह आएगा माइनस का,
ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस वन। क्यों? आर वन और आर टू बराबर है आर के, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर वन की वैल्यू, देखो आर वन कैसा होता है पॉजिटिव, तो आर वन की वैल्यू प्लस आर है तो आर टू की वैल्यू क्या है माइनस आर, तो सी पी वन अपॉन सी पी टू बराबर माइनस वन। इसका मतलब सी पी वन बराबर सी पी टू, ठीक है। तो इस केस में सी पी वन जो होगा वो माइनस सी पी टू बराबर, मतलब सी यहाँ है, ये पी वन है और ये पी टू है, तो सीधी सी बात है सी कहीं बीच में होगा, तब तो अगर ये डिस्टेंस पॉजिटिव तो ये वाली डिस्टेंस निगेटिव, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में ये बीचों बीच में होगा। देखो भाई जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये होगी, इधर उधर होगी। इसका मतलब इस समय जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो जस्ट मिड पे होगा। अगर यही बात हुई कि रेडियाई सेम ना हो तो ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल मिड में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये मिड में तभी होता है जब दोनों रेडियाई क्या होती है, सेम होती है। बच्चों इसी तरीके से आप इसमें भी यही चीज कर सकते हो, भाई इसमें बात करोगे तो R1 निगेटिव आ जाएगा और R2 पॉजिटिव आ जाएगा, कुल मिला के रेशियो इसी तरीके से माइनस आ जाएगा, ठीक है। CP1 बराबर माइनस CP2 वहां भी बनेगा, तो कुल मिला के चाहे वो बाया कॉनकेव लेंस हो चाहे बाया कॉन्वेक्स लेंस हो, अगर दोनों रेडियाई क्या है सेम है, दोनों सरफेस की रेडियाई क्या है सेम है, उस सिचुएशन में ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो मिड में होगा, बीच में होगा। बाकी केस के लिए बच्चों वो इधर उधर हो सकता है, थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा बाया कॉन्वेक्स लेंस और बाया कॉनकेव लेंस के। अब हम बात करते हैं कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बात करेंगे, फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, या हम फॉर प्लेनो कॉनकेव भी चेक करेंगे, फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, सोचो बच्चों ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। आपको ये बात पता है कि भाई रूल के हिसाब से हमको इधर P1 मानना पड़ेगा इधर P2 मानना पड़ेगा। अब ऑप्टिकल सेंटर कहां पे है अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ऑप्टिकल सेंटर कहीं C पॉइंट पे है, कहीं तो होगा वो, तो ये तो पक्का है कि सी पी वन अपान सी पी टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आर वन अपान आर टू के। बट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में आर वन क्या हो जाता है इन्फिनिटी और आर टू क्या हो जाता है देखो माइनस आर, अगर इसकी रेडियस को आर कह दिया जाए तो यहां पे बात करोगे तो इन्फिनिटी अपान माइनस आर, तो इन्फिनिटी को वन अपान जीरो भी लिख सकता हूं, यानी कि सी पी वन अपान सी पी टू बराबर वन अपान जीरो, दिस इंडिकेट सी पी टू बराबर जीरो। इसका मतलब जब सी पी टू जीरो आ गया इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, कहां पे होगा पी टू पे ही ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहां होगा, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर कहां पे होगा यहां पे होगा, समझ रहे हो। जबकि अगर प्लेनो कॉनकेव लेंस की बात करते हो, देखो प्लेनो कॉनकेव लेंस इसमें ऑप्टिकल सेंटर बच्चों कहां पे होगा जरा बात करते हैं, तो भाई वही रूल यहां लगेगा सी पी वन, मान लो कहीं सी है सेंटर, ये पी वन पॉइंट और ये पी टू पॉइंट, तो सी पी वन अपान सी पी टू बराबर आर वन, आर वन वही प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस की रेडियस क्या होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपान आर टू, मान लो दूसरे सरफेस की रेडियस आर है, आपको पता है इसमें आर टू आर का होता है प्लस का होता है, तो ये प्लस का आर, यानी कि यहां से भी आ जाएगा सी पी टू बराबर जीरो। इसका मतलब यहां से भी पता चला कि इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां पे होता है, तो समझ लीजिए कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है चाहे प्लेनो कॉनकेव लेंस है तो इनके ऑप्टिकल सेंटर कहां पे होते हैं, कर्व सरफेस पर होते हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि इन प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव लेंस ऑप्टिकल सेंटर
आर एट कर्व सरफेस इन प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे होते हैं, लेकिन कहां पर होते हैं? जो कर्व सरफेस ये है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव लेंस में जो ऑप्टिकल सेंटर होते हैं वो कहां होते हैं? कर्व सरफेस पर होते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम बात करते हैं फार कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है कि जो पहला सरफेस है उसकी रेडियस कहां बनेगी बच्चों? यहां बनेगी। इसका सेंटर पहले सरफेस का यहां होगा, दूसरे सरफेस का सेंटर यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव कॉन्वेक्स में दूसरा सरफेस जो है वो आउटर सरफेस है, उसकी रेडियस हमेशा इनर सरफेस से कम होगी, तभी ये चीज पॉसिबल है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आर वन का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? आर टू से। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन इज ग्रेटर देन आर टू। और सबसे बड़ी बात, R1 और R2 दोनों क्या होंगे बच्चों? निगेटिव होंगे। इस केस में R1 और R2 दोनों ही क्या होंगे? निगेटिव होंगे। अच्छा, यहां तक तो ठीक है भाई। अब ऐसा केस देखो हो गया हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों यहां बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पे अपना ऑप्टिकल सेंटर कहीं मान लेते हैं पॉइंट सी पे, हमको नहीं पता पॉइंट सी भी आउट है इन है, ये बात करते हैं। तो हमारा रूल ये कहता है कि सी पी वन अपान सी पी टू बराबर होता है आर वन अपान आर टू। देखो आर वन भी निगेटिव आर टू भी निगेटिव, तो इनका रेशियो क्या आएगा? पॉजिटिव। भाई माइनस थ्री अपान माइनस टू, तो रेशियो क्या आएगा? प्लस थ्री बाई टू, मतलब 1.5। तो इसका मतलब ये निगेटिव होने के बावजूद भी आर वन अपान आर टू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एंड R1 अपान R2 की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन बनाएगी। R1 अपान R2 क्या आएगा? ग्रेटर देन बनाएगा। यहां से बच्चों पता चलेगा कि CP1 अपान CP2 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 1 से। क्यों? क्योंकि R1 बड़ा है और R2 क्या है? छोटा। तो बच्चों ऐसा जब हो जाएगा तो देखो ध्यान से, इसको हम लिखेंगे कि CP1 इज ग्रेटर देन CP2, CP1 इज ग्रेटर देन CP2। अब बच्चों CP1 ग्रेटर देन CP2 से कैसे पॉसिबल है? अगर आपने C को इधर ले लिया तो CP1 छोटा हो जाएगा, CP2 बड़ा हो जाएगा, इसका उल्टा निकल आएगा, वो हो नहीं सकता। बीच में आप ले नहीं सकते। क्यों? अगर आप बीच में C पॉइंट मानेंगे, भाई यहां पे आपने C माना हो, मान लीजिए C को ही आपने ओरिजिन माना, तो CP2 पॉजिटिव और CP1 क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो ये रेशियो जो है वो माइनस में आ जाएगा, जबकि यहां पे रेशियो कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां पे भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये C पॉइंट कहीं बाहर पॉसिबल। अब क्या है? CP1 अगर मान लीजिए आपने यहां से ओरिजिन मान के करें, तो ये माइनस ये माइनस, तो इन दोनों का रेशियो प्लस। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो CP1 और CP2 इनका रेशियो पॉजिटिव आएगा, और CP1 ज्यादा भी आएगा किससे? CP2 से। इस सिचुएशन में इसका मतलब ये हुआ कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो बाहर होता है। और बच्चों ये वर्चुअल होता है। ये कैसा मिलेगा आपको? ये यहाँ पे वर्चुअल मिलेगा, मतलब यहां से लाइटें जाती हुई महसूस होगी। ठीक है, अच्छा इमेजिनरी ये मिल गया, अच्छी बात है। इसी तरीके से आप बात कीजिए कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस की। तो देखो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कैसा होता है बच्चों? ये कॉन्वेक्सो और ये कॉनकेव, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इस पे प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसी बनेगी बच्चों। इसको ऑप्टिकल सेंटर, ये पहली सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है। पहली सरफेस को ऑप्टिकल सेंटर कहें, यहां जाएगा C1। दूसरी सरफेस देखो देखने से लग रहा है उसकी रेडियस क्या है? कम है, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां जाएगा, C1 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक है, ये पहले वाले का प्रिंसिपल एक्सिस मिला पोल P1, ये दूसरे सरफेस का पोल P2। अब आप यहां से ध्यान दीजिए,
अगर यहां से आप सी पी वन अपान सी पी टू निकालते हैं, देखो अभी भी जो भाई सी पी वन ये क्या होगी रेडियस आर वन, तो आर वन और आर टू अभी भी क्या होंगे, देखो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि आर वन बड़ा होगा किससे, आर टू से, मतलब इस सिचुएशन में आर वन ग्रेटर होगा किससे, आर टू से। देखो भाई तभी तो ये पॉसिबल है जब आर वन क्या हो, बड़ा हो आर टू से। इसका अर्थ ये हुआ कि सी पी वन अपान सी पी टू इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा, फिर से भाई देखो आर वन अपान आर टू इज ग्रेटर देन वन, सो सी पी वन अपान सी पी टू इज ग्रेटर देन वन। ऐसे भी समझ सकते हो आर वन अपान आर टू, ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी है, बड़े में छोटे डिवाइड करोगे आंसर हमेशा एक से बड़ा आएगा, इसलिए ये सी पी वन इज ग्रेटर देन सी पी टू हो गया। जब ऐसा हो जाएगा इससे पता चलेगा कि सी पी वन इज ग्रेटर देन सी पी टू, जो सी पी वन है वो क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है बच्चों, सी पी टू से बड़ा है। इससे ये पता चल रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ जाना चाहिए भाई, सी पी वन, तो देखो सी पॉइंट कहाँ, अगर इधर मानोगे तो सी पी वन बड़ा है किससे, सी पी टू से, सही हो जाएगा। मतलब ये सी पॉइंट आपका यहाँ कहीं जाएगा कि सी पी वन ग्रेटर देन सी पी टू, इधर नहीं मान सकते क्योंकि इधर मानोगे तो सी पी वन छोटा हो जाएगा, सी पी टू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। आप बीच में मान नहीं सकते क्योंकि बीच मानेंगे तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो रेशियो जो है वो निगेटिव आ जाएगा, जबकि रेशियो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो कुल मिला के इसका ऑप्टिकल सेंटर इधर होता है। ये भी बच्चों हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, इमेजिनरी मिलता है। तो अगर कोई पूछ दे क्या ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस पे ही होता है, तो नहीं, लेंस के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर इधर होता है, जबकि कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर इधर होता है। तो और ये इमेजिनरी भी होते हैं, तो इस बात को आप लोग याद रखिए, ठीक है, कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस पे ही लाई करे, ये जरूरी नहीं है। इसको बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द लेंस, ठीक है। आपको बताते हैं कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और कौन सा लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो बच्चों जो कॉन्वेक्स लेंस है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस जो किनारे पर क्या होता है, थिन होता है और बीच में थिक होता है, मोटा होता है बीच में, किनारे पर पतला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ठीक है, ये एज ए कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करता है, जबकि जो कॉनकेव लेंस है ये जो किनारे पर थिक लेकिन बीच में थिन होता है, यानी कि क्या बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब होता है बच्चों एकाग्र करना, इकट्ठा करना, तो इस पे जो लाइटें गिरती हैं उसको ये प्रिंसिपल एक्सिस पे इकट्ठा करने की कोशिश करता है, उसको एक जगह एकाग्र करने की कोशिश करता है। जबकि जो डाइवर्जिंग लेंस है ये लाइटें को क्या करता है, डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब हटाना, दूर फैलाना, ऐसे फैलाने की कोशिश करता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अब पहले तो ये समझना चाहिए ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जैसे किसी प्रिज्म पे अगर कोई लाइट रे पड़ती है, जैसे मान लो ये लाइट रे पड़ी, ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्शन बनाइए जरा। तो भाई सीधी सी बात है, इस पर एक नॉर्मल ड्रा करोगे, नॉर्मल ड्रा करोगे तो क्या होगा, लाइट रे सीधा ना जा करके नॉर्मल के पास आ जाएगी, क्योंकि बाहर रेयरर है अंदर डेंसर है, तो टूवर्ड नॉर्मल पे होगी, फिर से यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा करोगे। नॉर्मल है क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, वो नॉर्मल। अब क्या होगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ऐसे जो मतलब जब किसी प्रिज्म से लाइट रे पास होती है तो वो प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ जाती है। अगर ऐसे लाइटें कोई डाल दीजिए तो किधर मुड़ जाती है, बेस की तरफ। अगर प्रिज्म के बेस के पैरेलल कोई लाइटें डाली जाए तो हमेशा कहाँ मुड़ेगी बच्चों, बेस की तरफ। तो अगर प्रिज्म पे कोई लाइट रे आती है तो वो प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को सीख सकते हैं। बच्चों अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे यहां से तोड़ दें तो हमें क्या दिखेगा, बताओ,
प्रिंसिपल एक्सिस तो 20 से होगी, दोनों सेंटर से पास होगी, आपको पता है यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है। अब अगर इस लेंस को आपने यहाँ से ब्रेक किया तो आपको क्या दिख रहा है, ये प्रिज्म दिख रहा है छोटा सा प्रिज्म। अब इस पे जो लाइटें पड़ेगी पैरेलल, वो क्या करेगी, उसको अपने बेस की तरफ मोड़ देगा, तो इसका बेस कहाँ है, नीचे, तो ये अपने बेस की तरफ मतलब नीचे मोड़ देता है। ये बहुत थिन लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो यहाँ थोड़ा मुड़ेगी, यहाँ थोड़ा मुड़ेगी, दो जगह दिखाना चाहिए, बट अभी हम क्या करें, आपको थिन लेंस के बारे में समझा रहे हैं, इसलिए नॉर्मली हम एक जगह से मोड़ रहे हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, ये थिन लेंस है, ये भी क्या है बच्चों, थिन लेंस। थिन लेंस मतलब जिसकी थिकनेस क्या है, जिसकी थिकनेस इनफिनाइट स्मॉल है, थिन लेंस, ठीक है। अब जो लाइटें यहां गिरेगी बच्चों क्या होगा, देखो इसको भी वही बात है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे देखो ये भी एक प्रिज्म जैसा बनेगा, तो ये भी क्या करेगा, उस लाइटें को अपने बेस तरफ मोड़ देगा, बेस तरफ इसने मोड़ दिया, ठीक है। फिर अगर यहां से कट करोगे फिर एक क्या बनेगा, फिर आपको यहां से देखो कहीं ना कहीं ये ऊपर ऐसे प्रिज्म बनता हुआ यहाँ महसूस होगा, तो प्रिज्म है, उसका बेस कहाँ बनेगा, नीचे, नीचे कैसा मोटा है ना, तो जब ये लाइटरे आएगी तो ये इसको क्या करेगा, बेस तरफ मोड़ देगा, तो कुछ इस तरह से लाइटरे इकट्ठी हो जाएंगी। ये क्या, कन्वर्जिंग लेंस का काम हो गया। सेम ऐसे अगर इधर भी ब्रेक करोगे बच्चों, देखो ये प्रिज्म बना, बेस कहाँ बना, ऊपर, तो जो लाइटरे आएगी ये अपने ऊपर की तरफ झुकाएगा, मतलब यहाँ पे पहुँचा देगा। ऐसे अगर यहाँ से ब्रेक किया तो फिर देखो ये बच्चों, यहाँ से देखो ये एक प्रिज्म जैसा बन सकता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लाइट रे आएगी वो क्या होगी, बेस की तरफ इसकी मुड़ेगी, मतलब ये यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। फिर से अगर इसको आपने ब्रेक किया तो फिर से एक आपको प्रिज्म जैसा मिलता हुआ महसूस होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसका भी बेस देखो नीचे क्रम मोटा है ना, तो नीचे बेस बन जाएगा, तो बेस की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। कुल मिला के ये लाइटें एक जगह क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्रिज्म हमको दिखाई देते हैं थिन लेंस के लिए। अगर इसमें हम बच्चों थिन लेंस की बात करें तो क्या होगा भाई, इसको अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया जाए तो यहाँ से जो प्रिज्म आपको बनता हुआ, देखो ये प्रिज्म बन सकता है ऐसा, जो प्रिज्म बनता हुआ देखेगा उसका बेस कहाँ है, ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो लाइटें आएगी वो कहाँ मुड़ेगी, ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। फिर अगर यहाँ से बच्चों आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं, फिर ये प्रिज्म बनाते हैं, देखो ऐसे, फिर ये बना, फिर जो लाइट रे आएगी वो क्या होगी, वो फिर से ऊपर चली जाएगी, जाएगी ना, तो यहाँ से बच्चों क्या हो रहा है, ये फिर आएगी, फिर देखो प्रिज्म ऊपर की तरफ बेस हो गया, नीचे की तरफ ऐसे बनेगा प्रिज्म, यहाँ से बनेगा ना, तो इससे फिर ये लाइटें क्या होगी बच्चों, ऊपर की तरफ, तो देखो यहाँ पे जो लाइटें आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, इससे दूर हट रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल नहीं रही, उसे दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। फिर यहाँ पे अगर तुम एक प्रिज्म सपोज करते हो, देखो ऐसे प्रिज्म सपोज करोगे तो लाइटें जो पैरेलल आएगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे दूर हट जाएगी। फिर यहाँ पे एक प्रिज्म हमने सपोज किया, अब जो लाइटें आएगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर एक प्रिज्म सपोज किया, फिर उसका बेस नीचे बनेगा, ऐसे जाएगा, तो फिर जो लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब इस पे जो लाइट आएंगी वो दूर हटेंगी, फैल जाएंगी, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना, डाइवर्ज मतलब फैला देना, जो लाइट को क्या करता है देखो, फैला देता है, इसीलिए ये क्या है, डाइवर्जिंग एक्शन है, और ये क्या है, कन्वर्जिंग एक्शन है, ये इकट्ठा करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों। तो बच्चों अब बात आती है फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसको आपने मिरर में भी पढ़ा होगा, हम यहाँ पे आपको लेंस में फिर से पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों फोकस लेंस में दो होते हैं, वन इज द फर्स्ट फोकस, ठीक है, फर्स्ट फोकस। एक क्या होता है बच्चों, एक होता है सेकेंड फोकस। अब बात यह आती है कि फर्स्ट फोकस क्या है और सेकेंड फोकस क्या है। तो बच्चे याद रखना बहुत सिंपल है,
कि फर्स्ट फोकस में रिफ्रैक्शन के बाद लाइटें पैरेलल करनी होती हैं, सेकेंड फोकस में पैरेलल आने वाली लाइटें जहां मिलती हैं उसको सेकेंड फोकस कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में याद रखना है तो फर्स्ट फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे निकलने वाली या जिसकी तरफ जाने वाली लाइटें रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं, ऐसे पॉइंट को फर्स्ट फोकस कहते हैं। सेकेंड फोकस क्या है? पैरेलल आने वाली लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट पे आकर मिलती हैं या जिस पॉइंट से दूर हटती महसूस होती हैं उसको सेकेंड फोकस कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं कैसे है? बच्चों जैसे मान लीजिए कि आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, और इधर हम कॉनकेव लेंस की भी बात कर लेते हैं, दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस क्या है? तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स विच और गोइंग फ्रॉम विच बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस। तो क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जिससे निकलने वाली लाइट रे, जिससे निकलने वाली, देखो जैसे ये लाइटें निकल रही, अब ये यहां पड़ेंगी और यहां रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस की, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस। या आप इसमें बात करें तो द पॉइंट लाइट रे कमिंग टूवर्ड्स विच, मतलब जिसकी तरफ आती हुई, जैसे ये आ रही थी, ये कहीं इस पॉइंट की ओर दोनों लाइट रे आ रही थी, ठीक है। द पॉइंट लाइट रे कमिंग टूवर्ड्स विच बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस। ये इसका फर्स्ट फोकस है, इसका फर्स्ट फोकस, ठीक है। और अगर लेंस बहुत थिन है, लेंस बहुत थिन है तो लेंस के पोल से जो डिस्टेंस होती है फर्स्ट फोकस की, इसको फर्स्ट फोकल लेंथ कहते हैं। ये इसकी फर्स्ट फोकल लेंथ हो जाएगी F1, ठीक है, ये F1 आ गई। बच्चों सबसे बड़ी बात है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फर्स्ट फोकस होता है वो देखिए क्या है, रियल है, जबकि कॉनकेव लेंस का जो फर्स्ट फोकस है वो वर्चुअल है। अब अगर इसकी वैल्यू की बात कीजिए तो आपको पता है पोल से इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव और पीछे की डिस्टेंस नेगेटिव, मतलब जो F1 है ये फोकल लेंथ है किसकी, फर्स्ट फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो जो फर्स्ट फोकल लेंथ है वो निगेटिव होती है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। जबकि अगर आप कॉनकेव की बात करेंगे तो F1 क्या होता है बच्चों, देखो यहां से इसके इस तरफ राइट में है, यानी कि पॉजिटिव होगा किसके लिए, ये होगा कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का F1 निगेटिव होता है, फर्स्ट फोकल लेंथ निगेटिव होती है, जबकि कॉनकेव लेंस की फर्स्ट फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि सेकेंड फोकस हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट फोकस तो क्लियर हो गया, अब सेकेंड फोकस की बात कीजिए। तो भाई सेकेंड फोकस के लिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस की आप बात करते हैं, ठीक है, और इधर आप किसकी बात करते हैं, इधर आप कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या बना रहे हैं, कॉनकेव लेंस, और इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। अच्छा तो सेकेंड फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, When parallel coming light ray incident at the lens, जब कोई parallel coming light ray किसी lens पर incident होती है,
देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो कन्वर्जन के बाद क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिल जाती हैं और अपीयर टू गो फ्रॉम द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस। या तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से जाती हुई महसूस होती, देखो यहां से जाती हुई महसूस होती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड फोकस। सेकेंड फोकस की डेफिनेशन क्या हो गई, जब पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाती हैं या फिर एक पॉइंट से जाती हुई महसूस होती हैं, एक पॉइंट से निकलती हुई महसूस होती हैं, ठीक है, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड फोकस एंड द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड फोकस फ्रॉम द लेंस इज कॉल्ड सेकेंड फोकल लेंथ। यहां भी डिस्टेंस ऑफ सेकेंड फोकस फ्रॉम द लेंस इज कॉल्ड सेकेंड फोकल लेंथ। और हम सेंटर्स क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये सब क्या है, थिन लेंस के लिए बात हो रही है। तो बच्चों देख के ही आपको पता चल रहा है कि जो सेकेंड फोकल लेंथ है वो कॉन्वेक्स लेंस की कैसी आई है, पॉजिटिव। तो F2 क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, ठीक है। F2 का मतलब ये फोकल लेंथ है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, ये फोकल लेंथ की बात हो रही है। तो जो सेकेंड फोकल लेंथ है पॉजिटिव होती है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। जबकि जो सेकेंड फोकल लेंथ है वो निगेटिव होती है किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये रियल होती है, सेकेंड फोकल लेंथ भी कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, रियल होती है। जबकि कॉनकेव लेंस की जो सेकेंड फोकल लेंथ है ये क्या होती है, वर्चुअल होती है, है वर्चुअल, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि सेकेंड फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की रियल और कॉनकेव की वर्चुअल। कॉन्वेक्स की सेकेंड फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की सेकेंड फोकल लेंथ निगेटिव। अब बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप लोग अभी तक जो क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर चुके हैं क्लास टेंथ में या आगे सॉल्व करेंगे, आपको लिखा होता क्वेश्चन में फाइंड द फोकल लेंथ और आप एक आंसर निकाल देते हैं, वो आप कौन सी फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, फर्स्ट या सेकेंड। तो बच्चों साइन के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा सेकेंड फोकल लेंथ निकालते हैं। देखिए आप क्या लिखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की निगेटिव, मतलब आप हमेशा सेकेंड फोकल लेंथ निकालते हैं, इसीलिए इसको प्रिंसिपल फोकल लेंथ भी कहते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकल लेंथ भी बोलते हैं। हम सेकेंड फोकल लेंथ क्यों निकालते हैं, क्योंकि मिरर का भी यही कॉन्सेप्ट है, मिरर में भी कॉन्वेक्स जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर की वो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। तो हमको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट याद ना करना पड़े इसलिए कॉन्वेक्स पॉजिटिव मतलब ये सेकेंड वाली कंसिडर कर लिए, कॉनकेव में निगेटिव फोकल लेंथ चाहिए इसलिए सेकेंड वाली कंसिडर कर दिया। इसीलिए जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा वैल्यू किसी निकालते हैं, सेकेंड फोकल लेंथ की। वैसे तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर कोई लेंस एयर में है, कैसे रखा हुआ है, एयर में, तो एयर में उसकी फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ दोनों हमेशा सेम होती है। अगर कोई लेंस एयर में है तो उसकी फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, बस साइन का अंतर होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, बट उनकी वैल्यू क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी। बट अगर कहीं लेंस रखा हुआ है और एक तरफ का मीडियम कुछ और हो जाए और एक तरफ का मीडियम कुछ और हो जाए, सपोज करो एक तरफ वाटर पूरा फिल हो एक तरफ एयर है, उस केस में इनकी वैल्यू अलग अलग आ जाती है। वो वैल्यू कितनी अलग आती है ये आगे हम लोग रिलेशन फाइंड कर लेंगे, तब तक आप लोग फोकस और फोकल लेंथ की ये वैल्यू समझ गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने लेंस की थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है, समझ लिया है कि लेंस क्या होते हैं, उनका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, लेंस के अंदर कब लाई करता है, लेंस से बाहर कब लाई करता है। हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि किसी लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, F1 क्या है मतलब फर्स्ट फोकल लेंथ क्या है, सेकेंड फोकल लेंथ क्या है, इस तरह से हमने बहुत सारी बातें समझ ली हैं। तो लेंस से रिलेटेड ये बेसिक हमारा लेक्चर आज ख़त्म होता है।
अगले अपने इस लेंस के जो लेक्चर में हम लोग लेंस मेकर फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।